यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जब वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हम सब लोग बेटर ओके। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 2 की यूनिट नंबर जो सेकंड है, जिसका नाम जो है वो है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, उसके 11 क्वेश्चंस को, जिसके वही पैटर्न को फॉलो करते हुए 10 क्वेश्चंस हम यहां पे सॉल्व करेंगे और एक मिलेगा आपको होमवर्क के तौर पे। ओके, हां जी सर, आज की क्लास के अंदर हम लोग अकाउंटिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं, ऑडिटिंग के। आज की क्लास के अंदर हम लोग ऑडिट के क्वेश्चन जो है पहले करेंगे, छोटा सा कांसेप्ट है ऑडिटिंग का, पहले वो वाले क्वेश्चन कर लेंगे, जब ऑडिटिंग खत्म हो जाएगा देन फिर अकाउंटिंग के ऊपर आ जाएंगे। ओके, हाँ जी सर, तो बिना किसी देरी के आइएगा, स्टार्ट करते हैं हमारे आज की हमारी एमसीक्यू की सीरीज, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपकी 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 मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा है, वो है ये, द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बताना है आपको किसका, वेरिफिकेशन का। ऑब्जेक्टिव होता है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट, एसेट्स का होता है वेरिफिकेशन, और जो एक्सपेंसेस है उनकी होती है क्या, वाउचिंग। तो बोलता है वेरिफिकेशन का जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या है, और वेरिफिकेशन का आपको ऑब्जेक्टिव बताना है। देखो, जब आप लोग ऑडिटिंग करते हैं, एक मेरी बात समझिएगा, जब हम लोग ऑडिट करते हैं तो ऑडिट के अंदर हम लोग बेसिकली वाउचिंग भी करते हैं और ऑडिट के अंदर हम लोग वेरिफिकेशन भी करते हैं। ऑडिट में जब हम वाउचिंग करते हैं तो वाउचिंग बेसिकली की जाती है किसका, एक्सपेंसेस का। मतलब हम लोग जो है वो वाउचिंग के अंदर चेक करते हैं कि हमारे वाउचर्स, जो भी हमने खर्चा किया उसके जो बिल्स थे, जो वाउचर्स थे, उन बिल्स के साथ में हम लोग जो एंट्री हमने पीएनएल अकाउंट में की हुई है उन दोनों को मैच करके देखते हैं, तो उसको तो बोलते हैं वाउचिंग करना। और वेरिफिकेशन के अंदर हम लोग जो है वो ये देखते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर जो हमने एसेट्स दिखा रखी है वो एसेट्स जो है वो करेक्टली वैल्यूड है या नहीं है, और जो बैलेंस शीट में आपने एसेट दिखा रखी है क्या वो एक्चुअल के अंदर भी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, उन सब के लिए करते हैं हम लोग क्या, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन करने के पीछे का मोटिव क्या क्या है आपको बेसिकली ये बताना है। आइएगा क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। बोलता है वेरिफिकेशन किया जाए किस लिए, टू एग्जामिन द एग्जिस्टेंस, ये चेक करने के लिए कि क्या कोई एसेट, पर्टिकुलर एसेट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। बिल्कुल सर, इसके लिए हम करते हैं। टू एग्जामिन द ओनरशिप, क्या वो एसेट जो है वो कंपनी के नाम पे है या नहीं है। बिल्कुल सर, इसके लिए करते हैं। टू प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ द मॉर्गेज और चार्ज, क्या उस एसेट्स को आपने गिरवी के तौर पे तो नहीं रखा हुआ है, इसके लिए भी हम लोग जो है वो क्या करते हैं, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के पीछे का पर्पस क्या, ये तीनों, तो ऑल ऑफ द अबव, इन सब काम के लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। चलो जी, आंसर क्या हो गया, डी, फर्स्ट के बाद सेकंड क्वेश्चन। एन ऑडिटर इज ए वॉच डॉग, अब ये बात हमारी हुई थी, मैंने आपको जो है करवाया था जब ऑडिटिंग हम पढ़ रहे थे, तो हमने लगभग 22-25 लेक्चर लगाए ऑडिटिंग के, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया ऑडिटर जो है वो एक क्या है, वॉच डॉग है, नोट ए ब्लड हाउंड, नोट ए ब्लड हाउंड। ऑडिटर मतलब भोगने वाला कुत्ता है, ना कि काटने वाला। इसके पीछे का लॉजिक क्या था, इसके पीछे का लॉजिक ये था कि अगर कभी मान लो कभी कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट पाई जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ऑडिटर जो है वो क्या करेगा, ऑडिटर उसको ओनली रिपोर्टिंग करेगा, ऑडिटर भोग के बोले तो ऑडिटर बोलकर बता देगा शेयर होल्डर को भी इसमें दिक्कत है, लेकिन ऑडिटर उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के लिए खुद जो है वो प्रेरित नहीं होगा। तो ऑडिटर के लिए क्या बोला जाता है, भाई ऑडिटर एक वॉचडॉग है, उसको कोई कमियां लगेंगी तो वो कमी क्या करेगा, खुद सुधारेगा नहीं, कमी को वो क्या करेगा, वो कमी को जो है वो रिपोर्ट कर देगा ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। तो इसलिए बोला जाता है ऑडिटर इसे वॉचडॉग नॉट ए ब्लड हाउंड। ये मुद्दा जो है वो कोर्ट के अंदर क्या था, तो किस कंपनी का मुद्दा था, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या बोलते हैं, एन ऑडिटर इज ए वॉचडॉग बट नॉट ए ब्लड हाउंड, दिस स्टेटमेंट हैज बीन गिवन इन द डिसीजन ऑफ व्हिच केस। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किस केस का डिसीजन था, तो ये था आपका कौन सा, किंगस्टन कॉटन मिल केस, जो ये किंगस्टन कॉटन मिल केस था। तो उसके अंदर जो है जो जस्टिस थे, जो बेसिकली जज थे, उन्होंने जो है वो एक बात यहां पे बोली थी कि ऑडिटर की सिर्फ ड्यूटी जो है वो क्या है, सिर्फ रिपोर्टिंग करना, ना कि ऑडिटर की ये ड्यूटी है कि अगर कोई कमी है तो वो कमी के पीछे जाएगा, ऐसा उसकी करने की कोई जरूरत नहीं है। कमी सुधारने का आपका कोई ठेका नहीं है, जो कमी है बस आप उस कमी को क्या करोगे, अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या करोगे, प्लेस करोगे। दैट्स व्हाई वहां पे एक बात बोली गई जस्टिस के द्वारा कि ऑडिटर जो है वो क्या है, इज ए ब्लड, ऑडिटर इज ए ओनली वॉचडॉग नॉट ए ब्लड हाउंड। तो आंसर क्या है, ए। चलो जी आगे, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर टू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, टू है। सबसे पहला, ऑडिट कैन बी डन बाय एनी पर्सन, क्या बात करते हो, ऑडिट सर कोई भी पर्सन ऑडिट नहीं कर सकता, ऑडिट करने के लिए आप होने चाहिए सीए और आपके पास क्या होना चाहिए, सीओपी, प्लस में आप कंपनी के एम्प्लॉई ना हो, आप क्या हो, इंडिपेंडेंट पर्सन हो। तो पहला तो ये गलत है, ठीक है जी। दूसरा, ऑडिटिंग इज ए गारंटी ऑफ 100% करेक्टनेस, क्या ऑडिटिंग 100% करेक्टनेस की गारंटी है, क्या बात करते हो सर, ऑडिट जो है ऑडिट के बाद में कोई गारंटी नहीं है। ऑडिटिंग के अंदर हम लोग अपनी ओनली क्या देते हैं, जजमेंट देते हैं कि हमारे हिसाब से, ना कि हम गारंटी देते हैं, गारंटी नहीं होता, तो ऑडिट जो है वो गारंटी नहीं है। थर्ड,
एरर कैन बी डिटेक्टेड एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम द ऑडिटिंग। एरर्स को डिटेक्ट भी किया जा सकता है और प्रिवेंट रोका भी जा सकता है। बिल्कुल सही बात है सर, ऑडिटिंग के थ्रू किया जा सकता है। आगे, ऑडिटिंग इज द एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड स्टेटमेंट। ऑडिटिंग जो है वो बुक्स और स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन है। बिल्कुल है सर। तो इनमें से बताना था कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू। तो ट्रू के अंदर आगे कौन कौन सी, थर्ड भी आ गई और फोर्थ भी। तो आंसर क्या आएगा, वो थ्री एंड फोर बोले तो सी। चलो जी आगे, फोर्थ क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू वाउचिंग, जब आप वाउचिंग करते हैं, अब ध्यान से सुनना, वेरिफिकेशन होता है किसका, एसेट्स का। वाउचिंग होता है किसका, एक्सपेंसेस का। ठीक है जी, जब आप वाउचिंग करते हैं, विच ऑफ द एक्सपेंसेस द ऑडिटर विल एग्जामिन इन द बिल ऑफ एंट्री। जब ऑडिटर बिल ऑफ एंट्री को जो है वो एग्जामिन करेगा, तो कौन से खर्चे को वो चेक करता है। बिल ऑफ एंट्री कौन फाइल करता है, बिल ऑफ एंट्री जो है वो बेसिकली, अगर मैं बात करूंगा बिल ऑफ एंट्री, तो ये फाइल की जाती है किसके द्वारा, किसके द्वारा, इंपोर्टर के द्वारा। इंपोर्टर जो है वो इशू करता है क्या, बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर वाला जहां पे पंगा आ जाएगा, एक होता है बिल ऑफ लेडिंग, एक होता है बिल ऑफ एंट्री। तो बिल ऑफ एंट्री के अंदर क्या, जब बाहर से कोई सामान आ रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हमारे रजिस्टर के अंदर एंटर करते हैं। तो बाहर से जब अब्रोड से कोई सामान आ रहा है बेसिकली, तो ये बिल ऑफ एंट्री जो है रिलेटेड है किसे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बोले तो कस्टम से। तो बोलता है इन ऑर्डर टू वाउचिंग, जब आप वाउचिंग करेंगे, वाउचिंग जब आप कर रहे हैं, विच ऑफ द एक्सपेंस, इनमें से कौन सा ऐसा एक्सपेंस है जिसको ऑडिटर एग्जामिन करेगा इन द बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री के अंदर एग्जामिन करेगा, तो वो कौन सा है, कस्टम। कौन सा, कस्टम। चलो जी आगे, नेक्स्ट, टू बी एन ऑडिटर, आपको अगर ऑडिटर बनना है, ए पर्सन मस्ट बी, ए पर्सन कैसा होना चाहिए, क्या एम्प्लॉय होना चाहिए, नहीं, एम्प्लॉयर होना चाहिए, नहीं, अकाउंटेंट, नहीं, इंडिपेंडेंट पर्सन, बिल्कुल वो इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, उसका कंपनी के साथ में कोई भी नेक्सस नहीं होना चाहिए। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ चेकिंग द एविडेंसेस, एविडेंस की बात हो रही है, एविडेंस, प्रोसेस किस चीज का, चेक करने का, एविडेंसेस ऑफ द एंट्रीज, एविडेंस चेक करेंगे किसका, एंट्री, जो आपने एंट्री जर्नल के अंदर की हुई है, उन एंट्री का क्या चेक कर रहे हो, एविडेंस चेक कर रहे हो, इसको क्या बोलते हैं सर, जर्नल के अंदर जो हमने एंट्री करी है उसको हम मिलान करते हैं वाउचर्स के साथ में, किसके साथ में, एविडेंसेस, और उन एविडेंस को बोलते हैं हम लोग क्या, वाउचर्स, और उन वाउचर्स को, वाउचर्स को मिलान करना किसके साथ में, जो आपके एविडेंसेस हैं, जो आपके वाउचर्स हैं, उनको एंट्री के साथ में क्या करना, मिलान करना, दैट इज नोन एज अ वाउचिंग। इसको बोलते हैं आप लोग क्या, वाउचिंग। तो आंसर क्या आएगा, वाउचिंग। तो सिक्स का जो है वो आंसर हो गया क्या, सी बोले तो क्या, वाउचिंग। ओके, हां जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वाउचिंग हेल्प द ऑडिटर, वाउचिंग हेल्प करता है ऑडिटर को कि वो एसर्टेन करेगा वेदर द एंट्री इन द बुक्स की, बुक्स के अंदर जो एंट्री कर रखी है, दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटिंग। मतलब वाउचिंग, वाउचिंग जो है वो ऑडिटर को हेल्प करता है, वाउचिंग ऑडिटर को हेल्प करता है। ठीक है जी, क्या करने के लिए, एसर्टेन करने के लिए, क्या चीज निकालने के लिए, कि वेदर द एंट्री इन द बुक्स, दैट इज, दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटिंग। भाई क्या चीज आप चेक करते हो, हम जब भी वाउचिंग करते हैं तो वाउचिंग के पीछे का या फिर ऑडिटिंग के पीछे का हमारा जो मेन पर्पज होता है वो ये चेक करना कि क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो आपके ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। ओनली ट्रू नहीं आएगा, ओनली फेयर नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, ट्रू एंड फेयर। तो दोनों चीज हम चेक करते हैं कि क्या वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। चलो जी नेक्स्ट, द रिपोर्ट थ्रू विच एन ऑडिटर एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, वो कौन सी रिपोर्ट है जिसके अंदर ऑडिटर अपना ओपिनियन को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। ऑडिट रिपोर्ट की मैंने पूरी क्लास YouTube के ऊपर डाली हुई है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। सिंप्लीफाइड वे के अंदर मैंने उसके अंदर बताया था कि ऑडिट रिपोर्ट बेसिकली क्या है। तो ये बोलता है द रिपोर्ट, वो कौन सी रिपोर्ट है थ्रू विच एन ऑडिटर एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, जिसके ऊपर ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, क्या बोलते हैं उसको सर, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑडिट रिपोर्ट। क्या बोलते हैं, ऑडिट रिपोर्ट। तो बोलता है वो कौन सी रिपोर्ट है जिसके थ्रू ऑडिटर एक्सप्रेस करता है अपना ओपिनियन, तो उसको बोलेंगे क्या, ऑडिट रिपोर्ट। चलो जी आगे, बोलता है बेनिफिशियरी ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, बेनिफिशियरी कौन है, जो ऑडिट रिपोर्ट जो ऑडिटर ने इशू करी उसके, उससे किस किस का भला होगा, किस किस को बेनिफिट होगा, तो उसके बेनिफिशियरी कौन है। तो बोलता है बेनिफिशियरी जो है ऑडिट रिपोर्ट के वो क्रिएटर हैं। हाँ जी, क्रिएटर को भी बेनिफिट मिलता है, क्रिएटर भी मतलब क्रिएटर को भी ये उत्सुकता रहती है कि मैं चेक करूं कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि क्रिएटर जो है बेसिकली वो देखना चाहता है कि कंपनी जो है वो है कैसी। दूसरा, इनकम टैक्स लायबिलिटी अथॉरिटी, बिल्कुल, क्योंकि रिपोर्ट के बेस पर, ऑडिटर की रिपोर्ट जो है वो क्या बोलते हैं, उसके बेस पर वो स्क्रूटनी भी डिसाइड करते हैं। डायरेक्टर के लिए जरूरी है, जरूरी है, गवर्नमेंट के लिए जरूरी है। तो बेनिफिशियरी जो है ऑडिट रिपोर्ट के, मतलब ऑडिट रिपोर्ट किस किस के लिए काम की होती है, तो वो इन चारों के लिए। तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीस। चलो जी नेक्स्ट,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई ये तो, बहुत ज्यादा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्डिनरी ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन ओन, किसके ऊपर? मतलब ये बोलता है ऑब्जेक्टिव, मतलब हम लोग जो है वो ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं, हाँ जी करते हैं, जब हम ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं तो उसके ऊपर हम ये बोलते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट जो है बेसिकली क्या है, जिसके अंदर हम ये बताते ट्रू एंड फेयर व्यू, हम बात करते हैं किसका, ट्रू एंड फेयर का। तो ये बोलता है कि किसके बारे में बात की, करेक्टनेस की बात की जा रही है, फेयरनेस की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है। तो इसके लिए पहले आपको मैं लॉजिक बताऊं, अभी तो चलता है कंपनी 2013, कंपनी 2013 से पहले था 1956 और 1956 से पहले था कंपनी 1913, अभी चले 2013, 2013 से पहले था कंपनी 1956, उससे पहले था कंपनी 1913। जो कंपनी 1913 था वहां पे ऑडिट रिपोर्ट के पास में जब ऑडिट रिपोर्ट को ऑडिटर इशू करता था तो वो बोलता था एज पर माय ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो दे रहे हैं क्या ट्रू एंड करेक्ट व्यू, वहां पे ट्रू एंड फेयर की बात नहीं होती थी, बात करती थी ट्रू एंड करेक्ट। ध्यान से सुनना, ऑडिट रिपोर्ट अगर बात करते हैं 1913 की, तो 1913 के अंदर वर्ड जो यूज किया जाता था वो क्या था, ट्रू एंड करेक्ट, वर्ड था करेक्ट, और करेक्ट का मतलब ओनली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, बोल तो मैथमेटिकल इक्वेशन को चेक किया जाता था कि क्या मैथमेटिकली जो है वो आइटम सही है या नहीं है। तो यहां पे बात थी ओनली क्या ट्रू एंड करेक्ट की। लेकिन अगर बात करता हूं अब आज की डेट में कंपनी 2013 के अंदर जो है वो वर्ड जो है वो चेंज हो गया और क्या हो गया, ट्रू एंड फेयर हो गया। और अगर बात करूं ट्रू एंड फेयर का, तो ये जो करेक्टनेस है ना, ये जो करेक्टनेस है एक्चुअल के अंदर इसी का ही पार्ट है, इट इंक्लूड द करेक्टनेस। तो ट्रू एंड फेयरनेस, तो हम यहां पे चेक करते हैं क्या ट्रू एंड फेयरनेस। तो फेयरनेस चेक की जाती है, फेयरनेस बहुत ही वाइड टर्म है जिसके अंदर यह भी चेक किया जाता है कि एंट्री सही हुई है क्या, एंट्री अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हुई है नहीं हुई है क्या, उसके लिए आपने जो है इंटरनेशनल अगर मान लो IFRS लग रहा है तो क्या उसके अकॉर्डिंग आपने काम किया है नहीं किया, क्या डिस्क्लोजर प्रॉपर है या नहीं है, ये सब चीजें जो है ये आती है किसके अंदर आपका फेयरनेस में। करेक्टनेस के अंदर सिर्फ आता है मैथमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है, फेयरनेस एक वाइड टर्म है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसके अंदर ऑडिटर एक्सप्रेस करता है क्या, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्डिनरी ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेशन करना किसका, ओपिनियन को, ऑन द किसके ऊपर एक्सप्रेस करता है, ओपिनियन ऑन द फेयरनेस के ऊपर, ना कि करेक्टनेस के ऊपर, किसके ऊपर, फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके हाँ जी, लो जी ये हो गया आपके 10 क्वेश्चन, और आज का आपका जो होमवर्क है वो है ये, टू हूम स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट इज एड्रेस्ड, क्लासेस के अंदर करवाया था स्पेशल ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो किसको एड्रेस की जाती है, ये थोड़ा ध्यान रखना। वो कोर्स ऑडिटर वाला कुछ हमने पंगा किया था तो वो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मान लो कभी स्पेशल ऑडिट अगर करवाया गया तो वो किस केस के अंदर होती है और स्पेशल ऑडिट की जो रिपोर्ट बनती है वो किसको एड्रेस की जाती है। तो ये आपका आज का होमवर्क है जिसको आपको जो है कमेंट करके बताना है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर सभी बच्चों का जो है वो आंसर लगभग सही था तो उसको मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा। अभी के लिए आपका यह होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 11 जिसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा और लेक्चर कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। ओके जी सर, चलो ये हो गए आज के हमारे कितने 11 क्वेश्चन ऑडिटिंग के, कल मिलेंगे नए 11 क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।